बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका होस्ट अक्तर रहमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स इंसाइडर में खुश आमदेद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मिट्टी की गुडाई करना प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। गुडाई से मिट्टी के जो टुकड़े पानी देने की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं और हीट की वजह से जो है सरफेस एरिया वो हार्ड हो जाता है। जब आप गुडाई करते हैं तो वो सरफेस एरिया सॉफ्ट हो जाता है और मिट्टी रिफाइन हो जाती है और लाइट वेट भी हो जाती है, और प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो इजीली मिट्टी में जो है वो ग्रो करती हैं, और जो प्लांट्स पप्स देते हैं उनके पप्स भी सरफेस एरिया से इजीली बाहर आ जाते हैं जब मिट्टी आपकी रिफाइन हो जाती है। अगर मिट्टी सख्त होगी तो रूट्स भी ग्रो नहीं कर सकेंगी और पप्स भी जो है उनको भी बाहर निकलने में जो है वो इशू होगा, तो वो इजीली बाहर नहीं निकल सकेंगे बजाय इसके वो मर जाएंगे। जैसे जितनी मिट्टी होती है उसमें जब प्लांट हम ग्रो करते हैं तो प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं होते, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जब हम पानी देते हैं पानी खड़ा रहता है और हीट पड़ने की वजह से सरफेस एरिया चिकनी मिट्टी का ज़्यादा हार्ड हो जाता है और उसकी रूट्स इजीली ग्रो नहीं कर सकती और प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। मिट्टी की गुडाई करने का ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर जाके अंडे देते हैं, वो गुडाई करने से ख़त्म हो जाते हैं। जब उन्हें हीट लगती है तो वो सरफेस एरिया के ऊपर आ जाते हैं गुडाई करने से, हीट की वजह से जो है वो उनके एग्स ख़त्म हो जाते हैं और आपकी सॉइल में जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह कीड़े मकोड़े जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। आपने नोट किया होगा कि जब आपकी सॉइल के ऊपर काई ग्रीन कलर की जो है वो मॉस इस जगह पे जम जाती है, वो भी जो है वो गुडाई ना करने की वजह से जमती है। जब आप गुडाई करते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाती है और सॉइल में जो है वो फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होता। हीट की वजह से जो है वो बैक्टीरिया और फंगस जो भी सॉइल में मौजूद होता है वो ख़त्म हो जाता है। और कुछ जड़ी बूटियां और घास वगैरह भी आपके प्लांट्स में गमलों में उगाते हैं, जब आप गुडाई करते हैं तो वो फिर वो भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी नहीं उगते। और गुडाई करने की वजह से पॉट की सॉइल भी पोरस हो जाती है। अगर ओवर वाटरिंग हो भी जाती है आपसे पॉट में तो गुडाई करने की वजह से जो है वो पानी नहीं ठहरता और पानी निकल जाता है, सॉइल जो है वो नरम रहती है और इजीली पानी जो है वो नीचे ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है। गुडाई करने के बाद हाफ आवर के लिए जो है वो आप गुडाई करने के बाद प्लांट को ऐसे ही छोड़ दें, इसे जो है वो पानी ना दें। हाफ आवर के बाद जो है वो आप इसे पानी दे सकते हैं। अगर आपने जो है वो पहले से पानी दे दिया है, जैसे अभी मैंने सरफेस एरिया इसका जो है उसको अच्छी तरह से वेट कर लिया है ताकि जो है वो गुडाई आसानी से हो जाए, तो फिर आप जो है वो इसे धूप में रख दें और इसे 1-2 दिन आप पानी ना भी दें तो ये जो है वो प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। गुडाई करने का जो बेस्ट टाइम है वो सुबह का है। सुबह जल्दी जो है वो आप गुडाई कर सकते हैं या शाम के टाइम गुडाई कर सकते हैं। दोपहर के टाइम जो है वो आप अपने प्लांट की गुडाई ना करें, क्योंकि दोपहर में जो है वो हीट ज़्यादा होती है। गुडाई करने की वजह से अगर कुछ रूट्स एक्सपोज हो भी जाती हैं प्लांट की तो वो जो है वो अगर दोपहर में उनको हीट लगेगी तो वो प्लांट के लिए जो है वो डेंजरस हो सकती हैं। मिनिमम जो है वो आप 1 मंथ गुडाई लाजमी करें, नहीं तो आप जो है वो हर सेकेंड वीक इस प्लांट्स की गुडाई जो है उनको लाजमी करें, क्योंकि उससे जो है वो फिर आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। गुडाई करते हुए आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने ज़्यादा डीप गुडाई नहीं करनी ताकि जो है वो आपके प्लांट की रूट्स जो हैं वो डैमेज ना हो ज़्यादा नीचे तक, और आपने तेज़ कटर या नाइफ़ वगैरह से जो है वो अपने प्लांट की गुडाई नहीं करनी। मैं जो बेस्ट टूल समझता हूँ जिससे जो है वो हम प्लांट की गुडाई कर सकते हैं वो ये चम्मच है। मैं चम्मच से जो है वो इस तरह से गुडाई करता हूँ। ये बहुत इजीली जो है वो आप ये देखें, बहुत इजीली जो है वो आप सरफेस एरिया से इसकी मिट्टी हटाते जाएं चम्मच के साथ इस तरह से। और इस तरह से इसकी गुडाई करते जाएं और मिट्टी जो है वो उसको साइड में हटाते जाएं। एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है कि आपने प्लांट के पास से आपने गुडाई नहीं करनी, थोड़ा साइड से ही करनी है।
इस तरह से चम्मच से आप की गुडाई करते जाएं। इस वाले प्लांट की भी गुडाई आप इस तरह से कर दें। 1 इंच 2 इंच तक जो है वो गुडाई आप कर दें प्लांट की अच्छी तरह से। ये देखें, गुडाई करने की वजह से ये इस प्लांट के जो है वो बब्स भी निकल रहे हैं। एक बब ये है और एक बब ये निकल रहा है। इस प्लांट की मैं गुडाई करता रहता हूँ, इसकी हेल्थ भी आप देख सकते हैं एलोवेरा की। ये भी एलोवेरा प्लांट है, इसके लीव्स जो है वो मैंने यूज़ कर लिए थे, तो उसके बाद मैंने इसकी गुडाई नहीं की। इसे मैंने काफ़ी टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, तो इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो सकी। और ये सीज़न है बब्स निकलने का, लेकिन इसके पब्स भी जो है वो अभी तक नहीं निकले, इसलिए कि मैंने इसकी गुडाई जो है वो अच्छी तरह से नहीं की। ये इस प्लांट की भी गुडाई जो है वो हम कर देंगे इस तरह से, चम्मच की मदद से इसको साइड से। पंद्रह दिन बाद जो है वो आप अपने प्लांट्स की गुडाई लाजमी करें। इतना इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र नहीं होती जितनी इम्पॉर्टेंट आपके प्लांट्स के लिए गुडाई होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपसे शेयर करनी थी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गो ग्रीन, पाकिस्तान ग्रीन।